नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में OnePlus Nord 2 versus OnePlus 9 Pro का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो OnePlus Nord 2 में 6.26 इंच जबकि OnePlus 9 Pro में 6.43 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो OnePlus Nord 2 में 2.89 इंच जबकि OnePlus 9 Pro में 2.9 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो OnePlus Nord 2 में 0.32 इंच जबकि OnePlus 9 Pro में 0.34 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि OnePlus Nord 2 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो OnePlus Nord 2 में 189 ग्राम जबकि OnePlus 9 Pro में 197 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि OnePlus Nord 2 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही फ्लूइड AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो OnePlus Nord 2 में 6.43 इंचेस जबकि OnePlus 9 Pro में 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन OnePlus Nord 2 में 1080x2400 और OnePlus 9 Pro में 1440x3216 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो OnePlus Nord 2 में 85.59% जबकि OnePlus 9 Pro में 90.23% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो OnePlus Nord 2 में 409 पिक्सल प्रति इंच जबकि OnePlus 9 Pro में 526 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो OnePlus Nord 2 में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मोनो कैमरा देखने को मिलता है। और OnePlus 9 Pro की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, टेलीफोटो कैमरा और आखिर में मोनो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो OnePlus Nord 2 में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और OnePlus 9 Pro की बात करें तो उसमें 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो OnePlus Nord 2 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और OnePlus 9 Pro में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 8 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो OnePlus Nord 2 में Mali G77 MC9 जबकि OnePlus 9 Pro में Adreno 660 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो OnePlus Nord 2 में MediaTek Dimensity 1200MT6893 और OnePlus 9 Pro में Qualcomm Snapdragon 888 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 2 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 8GB 12GB की RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 2 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 4500mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो OnePlus Nord 2 में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं,
जो कि 8 गीगाबाइट रैम 128 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 29,999 रुपीस, 12 गीगाबाइट रैम 256 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 34,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें OnePlus 9 Pro की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8 गीगाबाइट रैम 128 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 64,999 रुपीस, 12 गीगाबाइट रैम 256 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 69,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो दोनों फोन में 8 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में OnePlus Nord 2 आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में OnePlus 9 Pro आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy M31s है, जो कि 17,149 रुपए में मिलता है। दूसरा Oppo F17 Pro है, जो कि 18,390 रुपए में मिलता है। तीसरा उमीदी की बाइसन है, जो कि 25,750 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi 9 Power है, जो कि 13,499 रुपीस में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।